हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पना। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एपिफोरा यानी वाटरिंग ऑफ द आइज के बारे में। तो चलिए, इससे पहले कि ये टॉपिक मैं शुरू करूँ, आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि आप अपडेटेड रहे विद द लेटेस्ट वीडियोज एंड विद द टाइमिंग ऑफ द लाइव कंसल्टेशंस। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक एपिफोरा। तो आज हम लोग बात करेंगे एपिफोरा के बारे में। एपिफोरा का मतलब है वॉटरिंग फ्रॉम द आइज। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका दो कारण हो सकता है। एक तो ये रीजन हो सकता है कि एक्सेसिव टीयर प्रोडक्शन हो रहा है। एक्सेसिव टीयर प्रोडक्शन क्यों हो रहा है? हो सकता है आपको आंखों की कोई समस्या, कोई बीमारी हो रही हो, कंजंक्टिवाइटिस की समस्या हो, ट्रकोमा हो, या मे बी कोई एलर्जिक कंडीशन हो, धूल मिट्टी आंखों में गया हो, फॉरेन बॉडी कुछ आंखों में गया हो, बहुत देर तक आप लोग कंप्यूटर स्क्रीन के आगे बैठे हो या स्मार्टफोन में आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, तो आपके आंखों में से एक्सेसिव पानी आ सकता है। और दूसरा रीजन हो सकता है कि जो नेजोलैक्रिमल डक्ट होता है उसमें कोई ब्लॉकेज हो रही हो, तो इसके वजह से जो टीयर है वो ड्रेन नहीं हो पा रहा, आंखों में वो भर रहा है और फिर वो ट्रिकल डाउन कर रहा है, आंखों में से पानी बह रहा है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एपिफोरा। क्या क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स होंगे? आंखों में से ज़्यादा पानी आना, आंखें लाल हो जाना, आंखों में आपको इरिटेशन होना, खारिश होना, और ऐसा लगता है जैसे आंखों के सामने कुछ पड़ा हुआ है और आपको आंखें रब करनी पड़ती हैं, आंखें मसलना पड़ता है, फिर लगता है अब मुझे क्लियर दिखा। तो ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं। आंखों में कुछ आपको कुछ सेंसेशन, कुछ जैसे मिट्टी हो, कुछ ऐसा ग्रिटी ग्रिटी फील हो, तो ऐसी भी आपको फीलिंग हो सकती है। लाइट में समस्या हो सकती है, ब्राइट लाइट में या सूरज की रोशनी में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आंखों में एक प्रेशर या भारीपन का महसूस हो सकता है। तो ये सारे हमारे साइन एंड सिम्टम्स हैं एपिफोरा के। तो अब हम बात करते हैं कि अगर एपिफोरा की समस्या है तो होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, होम्योपैथी में जो सबसे पहली मेडिसिन है इस कंडीशन में, जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, वो है यूफ्रेशिया। तो अगर आपके आंखों में कुछ प्रेशर सा फील हो और आंखों में से पानी बहता जा रहा है, तो ऐसे केस में यूफ्रेशिया मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। यूफ्रेशिया आपको खाने में भी फॉर्म में भी मिलता है और यूफ्रेशिया के आई ड्रॉप्स भी आते हैं, वो भी काफ़ी हेल्पफुल है ऐसे कंडीशन में जब आंखों में से पानी आ रहा है और आंखों में भारीपन का महसूस या प्रेशर आप फील कर रहे हैं। सेकेंड हमारी मेडिसिन है साइलीशिया। साइलीशिया में हम क्या देखते हैं कि आंखों में आपको लगता है कि कुछ आंखों में पड़ा हुआ है, कुछ मिट्टी विट्टी चली गई है, एक फॉरेन बॉडी सेंसेशन और स्ट्रक्चर फॉर्मेशन अगर हो रहा है, डक्ट ब्लॉक हो रहा है, ब्लॉकेज हो रही है किसी प्रकार की, तो इस केस में जो साइलीशिया मेडिसिन है वो बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है नैट्रोम्योर। नैट्रोम्योर में हम क्या देखते हैं कि अगर ब्राइट लाइट से आपको प्रॉब्लम होती है या अगर धूप में आप जाते हैं तो उससे आपकी आंखों की जो तकलीफ है वो बढ़ जाती है, साथ में स्ट्रक्चर भी है, तो ऐसे कंडीशन में नैट्रोम्योर मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है एलियम सीपा। एलियम सीपा में हम क्या देखते हैं कि आंखों में से पानी बहता है और जलन वगैरह नहीं होती, नॉर्मल बस पानी आंखों में से बहता रहता है और साथ में कुछ एलर्जिक कंडीशन होती है। तो अगर एलर्जिक कंडीशन के साथ साथ आंखों में से पानी बह रहा है जिसमें कि इतनी जलन नहीं है बट वाटर कंटिन्यूअसली ड्रेन होता जा रहा है, तो एलियम सीपा मेडिसिन अच्छा काम करती है। दोस्तों, नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है पल्सेटिला। पल्सेटिला में हम क्या देखते हैं कि आंखों की जो भी कंडीशन है वो वार्म, अगर आप कहीं पे हैं, गर्म जगह पे हैं या किसी कमरे में बैठे हैं जो चारों तरफ से बंद है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, तो जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा होगी, आंखों में से पानी बहने लगेगा। और वहीं जब आप खुली हवा में चले जाते हैं, ओपन एयर में जाएंगे, तो आप इसमें बेहतर महसूस करेंगे। तो अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो पल्सेटिला मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कुछ मेडिसिंस जो कि एपिफोरा के केस में बहुत अच्छा काम करती है। और अगर आपको वाटरिंग ऑफ द आइज हो रहा है तो एज अ जनरल कुछ प्रिकॉशंस का आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे आपको गंदे हाथों से आंखों को नहीं, आंखों को रब करना है या खारिश करना है,
अगर आपको कभी भी आप अपना हाथ अगर आंखों में आप दे रहे हैं तो मेक श्योर कि आपके हाथ साफ हो, हाइजीन का मेंटेन करें। अगर आपको आंखों में किसी प्रकार का इन्फ्लेमेशन हो रहा है, सूजन हो रही है, और अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करते हैं तो कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करना अवॉइड करें। अदरवाइज भी अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हैं तो उसको प्रॉपरली जैसे पैकेज में लिखा होता है एवरीडे उसको आपको लिक्विड उसका चेंज करना पड़ता है, बाकी जो भी प्रिकॉशंस उसमें एडवाइज्ड है उन सबको फॉलो करना है। और अगर इन बेसिक प्रैक्टिसेस का आप ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि ऐसी समस्या में आपको जल्दी ही रिलीफ मिल सकता है। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन एपिफोरा या वाटरिंग ऑफ द आईज के बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने इस इन्फॉर्मेशन को पसंद किया है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूले। दोस्तों अगर आप लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं मेरे से अपने किसी भी मेडिकल कंडीशन के लिए तो मेरे ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज भेज सकते हैं और आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं। अगर आप लोगों का कुछ डाउट है और आप तुरंत मेरे से बात करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन है, कुछ डाउट आप क्लियर करना चाहते हैं, तो CM4 या CallMe4 ऐप के द्वारा आप डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं और मेरे से बात भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।